माँ काली का नाम लेकर कुमार ने जीते 25 लाख। कहा पत्नी को खरीदूंगा मंगलसूत्र व झुमका। दोस्तों, इस समय केवीसी 11वां सीजन चल रहा है। ऐसे में दुनिया भर के लोग अपने ज्ञान के दम पर केवीसी की हॉट सीट पर बैठते हैं। गुरुवार को प्रसारित हुए शो में बिहार के कुमार राजन केवीसी की हॉट सीट पर बैठे। उन्होंने सीट पर बैठते ही लोगों का खूब मनोरंजन किया और माँ काली का नाम लेकर वह 25 लाख रुपए की रकम जीती। तो चलिए देखते हैं कुमार राजन ने कैसे लोगों का जमकर इंटरटेन किया। तो आपसे बात करना चाह रही हैं। कौन? दिखाइए। कौन से कर दूँगा? बाबू रे। अच्छा, कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही बात करते सर जी ना। पत्नी जी के साथ भी ऐसे ही आवाज निकलते हैं क्या? पत्नी की बात पे आप बहुत शर्मा जाते हैं। कोई बात नहीं, शर्माना चाहिए उनके सामने, ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। तजुर्बे से बोल रहे हैं हम। तो देखा दोस्तों आपने, कुमार राजन कितने फनी व्यक्ति हैं। आपको बताते चले कि खेल के दौरान कुमार राजन ने अपने चुलबुले अंदाज में लोगों का बीच बीच जमकर मनोरंजन करते रहे। ऐसे में अमित जी भला पीछे कैसे रह सकते हैं? उन्होंने भी कुमार राजन के अंदाज में बात की और उनसे जमकर सवाल जवाब किए। अमिताभ बच्चन ने बिहारी भाषा में प्रतिभागी से सवाल करते नजर आए। अमिताभ ने कहा कि काहे तुम्हार मूड पिरात है, का आप काहे हियाँ हुआ देखत है। खेल के दौरान राजन ने बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और वह अपनी पत्नी को सोने का मंगलसूत्र व झुमका देना चाहते हैं। आगे राजन ने बताया कि वह भाग कर शादी किए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात ट्यूशन पढ़ने के दौरान हुई थी और फिर उन्होंने भाग कर शादी कर ली। अब उन दोनों का एक बेटा है। शो के दौरान बिग बी ने कई बार राजन से उनके पत्नी के बारे में बात की है तो राजन शर्मा रहे थे। ऐसे में बिग बी ने अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि पत्नी के सामने शर्माना चाहिए, पत्नी के सामने ज़्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। आपको बताते चले कि राजन मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और वह खड़गपुर में एक छोटी सी नौकरी करते हैं जहाँ वह साइकिल से जाते हैं। कुमार राजन ने अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब माँ काली का नाम लेकर देते गए और उनके उत्तर सही होते गए। इसी तरह जवाब देते हुए राजन ने 50 लाख तक के प्रश्न तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सके, लिहाजा उन्हें 25 लाख से ही संतोष करना पड़ा। दोस्तों, केबीसी से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।